Assalamu alaikum. Today is our last lecture for this course. Today we will try to wrap up the code for the matrix class and then, if time permits, we will do a brief recap. I hope that you have done a lot of programming in this course because that was the essence or the, uh, the subject that we were talking about, not C and C, but the fundamentals of, the, of writing good programs. Um, jahan tak प्रैक्टिस का ताल्लुक है यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इट जस्ट गोज विदाउट हैव टू राइट एंड मोर प्रोग्राम्स एंड मोर बिकम फ्लुएंट विद एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वन ऑफ यू आस्क्ड मी ऑनलाइन जी मुझे सिंटेक्स याद नहीं रहता उसका क्या किया जाए माई आंसर टू दैट इज सिंटेक्स इट्स नाइस टू नो बट इज नॉट क्रिटिकल वॉट इज इंपॉर्टेंट टू नो इज हाउ टू राइट प्रोग्राम्स सिंटेक्स हमेशा आपको रेफरेंस किताबों में भी मिल जाएगा मोस्ट ऑफ कंपाइलर्स हैव अ गुड ऑनलाइन हेल्प सिस्टम सो यू कैन यूज दैट एज वेल बट इफ यू राइट लॉट ऑफ कोड बहुत सारी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल में आते आते वो खुद ही आपको याद आ जाती है याद रह जाती है सो इन अदर वर्ड यू डोंट फोरगेट टू पुट अ सेमी एट द एंड स्टेटमेंट इन सी यू रिमेम्बर के जी इफ के बाद पैरेंथिस डालने हैं ब्लॉक ऑफ कोड है तो आपने कर्ली ब्रेसिस डालनी है ये चीजें आपको सेकेंड नेचर बन जाती है आपके लिए So the only answer to that is write a lot of code, but don't think in terms of memorizing syntax. Languages will change; they will evolve over a period of time, and constantly you will be learning new languages. So just practice and remember the basic concepts and fundamentals. Today, we continue our discussion on matrix class, and in the, last lecture, we talk about the assignment operator.

पहले तो इसकी जो है हमारी जो प्रोटोटाइप है या डेक्लोरेशन लाइन है उसके ऊपर गौर करते हैं कि जी वो किस तरह से लिखी हुई है जो हमारी डेक्लोरेशन लाइन है दैट्स इज इट मस्ट रिटर्न अ रेफरेंस टू अ मैट्रिक्स वी राइटिंग ए इक्वल्स बी वाई डू वी वांट टू रिटर्न अ रेफरेंस सो दैट वी कैन राइट समथिंग लाइक ए इक्वल बी इक्वल सी ये पॉइंट भी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो एक्सप्रेशन है पूरी स्टेटमेंट उसकी अपनी भी कोई वैल्यू होती है तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जो असाइनमेंट है वेन वी राइट ए इक्वल टू बी देन द होल एक्शन विल ऑल्सो है वैल्यू दैट वैल्यू इट सेल्फ विल बी अ रेफरेंस टू अ मेट्रिक ऑन द अदर हैंड हमने इसको कॉन्स्ट भी करा दिया है इन अदर वर्ड द रेफरेंस दैट इज रिटर्न इज अंस्टेंट वाई है थोड़ा सा इंट्रिकेट मामला है जब भी आप किसी चीज का रेफरेंस रिटर्न करते हैं रिमेंबर दैट थिंग देन कैन बिकम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट व्हिच कैन लीड टू वेरी फनी बिहेवियर इन अदर वर्ड्स अगर आप लिख दें पैरथिस के अंदर ए इक्वल्स बी और फिर इक्वल टू सी वॉट हैपन इज कि ए इक्वल्स बी जो है वो एज अ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी उसकी वैल्यू जो रिटर्न हुई है दैट्स अ रेफरेंस टू अ मेट्रिक्स

we can write straight line statements like a equals b equals c having said that let us go on and look at the, the next implication which is the size of the matrix whenever we have dynamic memory allocation in a class we have to check against self assignment and self assignment means statements like a equals a a an ordinary variable i, integer So i इक्स i कहने से कुछ नहीं होता इट्स क्वाइट ऑल राइट बट वेन वी राइट समथिंग एलोकेशन इट इज क्वाइट पॉसिबल इन समी एल्स कोडी वो पहले लेफ्ट हैंड साइड की मेमरी को फ्री करे और फिर नई मेमरी एलोकेट करके उसके अंदर कॉपी डाले तो अगर ए इक्वल ए लिखा हुआ तो एक स्ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है कि पहले उसको डिलीट कर दिया और अब कॉपी करने लगे तो किस चीज को कॉपी करें वो राइट हैंड साइड भी डिलीट हो चुकी है सो वी मस्ट चेक अगेंस्ट सेल्फ असाइनमेंट इसका देखें तो पहला टेस्ट ही ये है कि जी एम इज़ द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू दिस सो वी हैव टू डू द सेल्फ असाइनमेंट चेक और अगर वो नहीं है फिर हम काम शुरू करते हैं अब जब हम सेल्फ असाइनमेंट चेक कर चुके तो फिर हमने देखना है कि जी दोनों मेट्रिक जो हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाली उनका साइज एक जितना है कि नहीं अगर तो साइज उनका एक जैसा हो तो फिर काम बड़ा आसान है राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स का एलिमेंट बाई एलिमेंट कॉपी कर दें इनटू द लेफ्ट हैंड साइड लेकिन अगर साइज डिफरेंट है यानी या रोज डिफरेंट है या कॉलम्स डिफरेंट है उसका हमने चेक लगाया है अगर वो डिफरेंट है तो फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक नई मेट्रिक क्रिएट करनी पड़ती है इस कोड को अगर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही कोड है जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस्तेमाल किया था कि हम पहले एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं सो वी फ्री दैट मेमोरी हैविंग फ्री दैट मेमोरी वी रीएलोकेट न्यू मेमोरी व्हिच इज ऑफ द करेक्ट साइज अब करेक्ट साइज ख्याल रखना है कि कौन सा है राइट हैंड साइड वाली मेट्रिक्स का साइज होगा उसके बाद हमने जब ये कर लिया अपनी री कर ली मेमरी उसके बाद वी री द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड वाली मेट्रिक की रोज की वैल्यू कॉपी कर दी राइट हैंड साइड वाली मेट्रिक्स के कॉलम्स का वैल्यू जो है इंट वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दिया उसके बाद एक नेस्टेड लूप लगाई जिसके साथ हमने एलिमेंट बाई एलिमेंट कॉपी कर दी क्या ही अच्छा होता कि जी यहां पर भी हम कह सकते जी ए इज इक्वल टू बी और कॉपी हो जाता बट वही तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वी डोंट वॉन्ट अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर नंदलेस इस कोड को खास तौर पर आपको स्टडी करना चाहिए इट इज इंपॉर्टेंट और इसको हमने दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया है इनफैक्ट अगर ख्याल करें तो पहले हम फंक्शन डिफाइन करते रहे जहां पर भी हमने लिखा स्टार दिस इक्वल स्टेम्प वी वर एक्चुअली यूजिंग ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर विच डेड ऑल ऑफ दिस फॉर एस देखें जिंदगी कितनी आसान हो जाती है बाई डिफाइनिंग वन करेक्ट ऑपरेटर ऑल ऑफ द अदर फंक्शन के नाव यूज दिस एंड

जी a प्लस बी जहां a और b दोनों मेट्रिस हैं जब भी हम दो मेट्रिस को ऐड करना चाहते हैं फर्स्ट वी हैव टू एंश्योर देट दे आर कंपेटेबल यानी दे आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन दैट मीनस के उनके रोज एक जितनी होनी चाहिए और कॉलम्स एक जितने होने चाहिए अभी हमने जो कोड आपको दिखाया है या लिखा हुआ है वो बड़ा सिंपल है वो सिर्फ ये चेक करता है कि जी अगर ये कन्फॉर्मेबल है तो एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन हम कर देते हैं अगर कन्फॉर्मेबल नहीं है तो पहली वाली मैट्रिक्स ही वापस हो जाती है यहां पे जो चीज ख्याल करने वाली है वो यहां है कि जी हम रिटर्न क्या चीज कर रहे हैं एडिशन ऑपरेटर याद रहे जब भी हम ए प्लस बी लिखते हैं तो ना ए चेंज होती है ना बी मैट्रिक्स चेंज होगी दोनों जमा करके एक नई मैट्रिक्स है जो कि वापस करनी है देयर विद इन दिस कोड वंस वी फाइंड आउट देर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन वी डिफाइन अ न्यू मेट्रिक्स न्यू मेट्रिक्स उसके अंदर अब हम ट्रिक्स भी लगा सकते हैं हम डिफाइन कर सकते हैं द न्यू मेट्रिक्स यूजिंग द कॉपी कंस्ट्रक्टर तो एक मेट्रिक तो पूरी, पूरी, पूरी उसके copy की पूरी कॉपी हो गई सो वी कैन से समिंग लाइक मेट्रिक्स टेम्प स्टार दिस लेफ्ट वाली मेट्रिक्स की कॉपी बना दो कॉपी बन गई तो उसके अंदर सिर्फ दूसरी मेट्रिक्स के एलिमेंट्स को एड करना है एड कर दिया स्टैंडर्ड नेप्ट और उसके बाद आपने रिटर्न करना है यह जो है यह टेम्पर मैट्रिक्स जो इस ऑपरेटर फंक्शन के अंदर क्रिएट की गई थी उसको हम रिटर्न कर रहे हैं इसका रेफरेंस रिटर्न नहीं हो सकता अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम और इन एफिशियंट इट डी है मेट्रिक लिहाजा ये पूरी की पूरी मेट्रिक्स स्टैक के ऊपर कॉपी होगी ये वाली मेट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर वो मेट्रिक्स जहां पे भी आपने करनी है। अगर आपने लिखा हुआ था c इक्वल ए प्लस बी तो c के अंदर ये हो जाएगी ये चीजें जो हैं जी कहां पे जा रहा है और कहां पर क्या चीज रिटर्न की जाती है और फिर उसका आगे यूजेज क्या होता है या उसका बिहेवियर क्या होगा वेन वी कम टू द्लस इक्वल टू ऑपरेटर उसके अंदर जरा साइट ए प्लस इक्वल बी अब देखें फर्क यह है कि a बजाते खुद भी चेंज होगी पहले when we wrote c equals ए प्लस बी तो a और b चेंज नहीं होते थे उनको जमा करके हमने c में असाइन कर देना था बट when we use the compound operator ए प्लस इक्वल बी देन ए इट सेल्फ इज गोइंग टू चेंज सो इफ ए इज गोइंग टू पहली चीज we can return a reference to a. No problem. So this operator भी आएगा रिटर्न star. This भी आएगा दूसरी चीज कंफॉर्मेबिलिटी चेक वही रहता है जो ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर था बोथ मेट्रिक मस्ट द सेम रोज एंड कॉलम्स वो भी हमने चेक कर लिया तीसरी चीज कोई टेम्पररी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाउ सिंस यू डूइंग ए प्लस इक्वल्स बी व्हाट इट मीन इज एलिमेंट ऑफ आई जे प्लस इक्वल एम डॉट एलिमेंट्स ऑफ आई जे सो यू कैन यूज द सेम ऑपरेटर इन एंड रिटर्न रेफरेंस टू द लेफ्ट हैंड साइड मेट्रिक रिटर्न टी आर डन देखें अब थोड़ा सा कोड री थोड़ी सी एफिशिएंसी आने लग पड़ी हमारे कोड के अंदर अब हम जाते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस की तरफ वेरी वेरी सिंपल अगर आपने एक डबल वेरिएबल को ऐड करना है मैट्रिक्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नंबर ऑफ रोज कॉलम्स का कोई कंफॉर्मेबिलिटी का कुछ नहीं है ऑल यू नीड टू डू इज एड अ वेल्यू टू एवरी एलिमेंट डिफरेंस याद रहे यहां पर ए प्लस डी किया जा रहा है ए चेंज नहीं होगी ए के अंदर डी की वैल्यू एड करके एक नई मेट्रिक रिटर्न होगी सो इट इज नॉट रिटर्निंग रेफरेंस इट इज रिटर्निंग मेट्रिक्स इफ इट रिटर्निंग साइड दिस फंक्शन सो वी सै मेट्रिक स्टेम्प और फिर हम कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं सो वी कैन से मेट्रिक स्टेम्प स्टार दिस इस वाली मेट्रिक्स की एक कॉपी बना दो बन गई विच इज द लेफ्ट हैंड साइड मेट्रिक्स उस नई मैट्रिक्स टेम्प के अंदर हमने डी की वैल्यू ऐड की थ्रू आर यूज नेस्टेड लूप्स एंड वी रिटर्न टेम्प वी हैव डिफाइंड एन एडिशन ऑफ अ मेट्रिक डबल वेरिएबल नेक्स्ट फंक्शन इज डी प्लस ए डबल वेरिएबल प्लस ए अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डबल आ गया मैट्रिक्स नहीं है इट कैनोट येम्बर फंक्शन सो इट्स अ फ्रेंड फंक्शन इफ इट्स अ फ्रेंड इट्स डिफाइंड आउटसाइड द मेट्रिक्स यू विल सी द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विच वॉज मेट्रिक्स कोलन वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा इट इज नाउ एन ऑर्डिनरी स्टैंडलोन फंक्शन इट स्टिल रिटर्न अ मेट्रिक्स सो इट इज मेट्रिक्स ऑपरेटर प्लस डबल डी कॉमा मेट्रिक्स एम दो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल एंड राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल बाकी कोड इज सिंपल एनफ इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ए प्लस डी वाला कोड जितना ये प्लस की डिस्कशन हमने की है यही चीज सारी माइनस के ऊपर अप्लाई कर जाती है बिल्कुल आइडेंटिकल है सिर्फ चीज आपने ख्याल रखनी एंड के ऊपर जाके जहां पे डी प्लस ए करते थे तो उसका रिजल्ट वही होना चाहिए जो ए प्लस डी का होना चाहिए माइनस के केस में द रिजल्ट्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट इफ यू डू ए माइनस तो कोई और जवाब आएगा इफ यू डू डी माइनस तो जवाब मुख्तलिफ होगा सो so, उस कोर्ट के अंदर उतना साफर्क है कि जी अब डी माइनस किया जा रहा है

उसकी वो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देख लें ये सम ओवर आईजी है विथ लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट अगर इसको खोल के लिखेंगे तो इट्स क्वाइट सिंपल एक रो का एक एलिमेंट उठाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में से एलिमेंट उठाया उनको मल्टीप्लाई किया फिर रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट सो आप इस तरह से चल रहे हैं एक रो प्रोसेस हो रही है दूसरी मेट्रिक्स का एक कॉलम प्रोसेस हो रहा है और इनकी कंफॉर्मेबिलिटी भी चेक करनी है सो दिस कोड इज नथिंग मोर देन

एलिमेंट ऑफ आई के प्लस और मल्टीप्लाइड बाय एम डॉट एलिमेंट्स ऑफ के जे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आई और जे है देट इज द एलिमेंट इंडेक्स कौन सी वाली पोजिशन आई एथ रो जे कॉलम कैसे हासिल होती है पहली मेट्रिक्स की आई एथ रो और दूसरी मेट्रिक्स का जेथ कॉलम और के जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं उनको so, इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ लें that is the matrix multiplication operator multiplying a matrix with a double is nothing more complicated than doing an addition of a matrix and a double so the code is very very similar the only thing that differs is jabham matrix ko ek double say divide karna ji jati hame phir check karne ki is the ki divide by 0 to kar rahe. so having done that little check we then go ahead and divide that matrix इन जगहों पे हमने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली कि इन अदर वर्ड्स अगर D जीरो है तो फिर क्या करो हम कहते हैं ओरिजनल मैट्रिक्स से रिटर्न कर दो नाउ मैथमेटिकली दैट इज नॉट करेक्ट सो यू मे वांट टू एक्चुअली थ्रो एन एक्सेप्शन सेज कि जी प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाए अगर ऐसा केस आए बट नॉर्मली हमने कहा जी, इस वक्त हम ऐसा केस ट्वील नहीं करेंगे अगर वो कोई आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ऑरिजिनल मेट्रिक वापस कर दो डिवाइड करने की कोशिश ना करो सो द प्रोग्राम विल नेवर जनरेट एन एयर

ंग कर लेते हैं मेट्रिक्स की हम कहते हैं जी मुझे अब एक ऑपरेटर चाहिए ताकि मैं लिख सकू सी इन ग्रेटर की बोर्ड से पढ़ना है और मेट्रिक्स एम के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना है बट आई ऑलरेडी रिटर्न एन इनपुट फंक्शन सो इन साइड द कोड आई कैन सिंपली री यूज दैट फंक्शन एंड से एम डॉट इनपुट खत्म दैट इज द

राइट योर सेल्फ ए लिटल फंक्शन ये ऊपर कोड कॉपी कर दें नीचे मेन के अंदर आप लिखते हैं मेट्रिक्स एम थ्री कॉमा थ्री सेमीकोलन एक मेट्रिक क्रिएट हो जाएगी जब आप चलाएंगे उसकी वैल्यूज जीरो होंगी प्रूव इट टू योर सेल्फ यू कैन से एम डॉट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली फॉर्मेटेड आउटपुट मेट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगी इसी तरीके से आप और मेट्रिक डिफाइन करें कुछ की बोर्ड से गेट कर लें आपस में उनको मल्टीप्लाई करें You will notice that multiplication will only work if they are conformable for multiplication. Addition will only work if they are conformable. Any rows and columns are equal, in case multiplication, I के rows and columns number of columns matrix must be equal to the number of rows of the second matrix, and so on. You can write a little test program which will exercise this class. Write it for yourself, exercise it, understand how it works. एंड देन ट्राई टू मेक एडिशन टू इट ट्राई टू एक्सटेंड द्लास इसके अंदर कोई नए फंक्शन कोई नए फीचर्स डालें अलिंग टू डू वुड बी टू चेंज द होल क्लास जैसे मैंने कहा था डबल से इंट में कन्वर्ट कर दें अ मोर कॉम्प्लीकेटेड वन वु ट्राई एंड राइट अ टेम्पलेट फॉर दिस क्लास टेम्पलेट क्लास टी आपको याद होगा हमारे लेक्चर से जहां पे डबल है वहां पे आप टी लिखेंगे कैपिटल विद इन एंगल ब्रैकेट ऊपर टेम्पलेट क्लास टी हो जाएगा बाकी चीजें

मैट्रिक्स का रेफरेंस रिटर्न कर रहे थे मैंने उसको कॉन्स्ट कर दिया ताकि वो गलती से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इस्तेमाल ना हो सके जहां पे भी एक फंक्शन ऐसा है जो कि कॉलिंग मैट्रिक्स को चेंज नहीं करता उस फंक्शन को हमने कॉन्स्ट कर दिया कैसे फंक्शन के प्रोटोटाइप के बाद कॉन्स्ट लिख के अब इट्स वेरी सेफ वेन यू एक्चुअली ट्राई टू राइट द फंक्शन एंड यू ट्राई टू मॉडिफाई द मेट्रिक्स एंड द फंक्शन इज डिक्लेय एज नॉट बींग एबल टू मॉडिफाई विद कॉन्स्ट की वर्ड वो कंपाइलर ही उसको ट्रैप कर लेगा So, const is useful for us to make sure we stay within our boundaries and parameters. The class as written does not do comprehensive error checking. It does some very, very rudimentary error checking. So, you might want to enhance the class by adding some more error checks or displaying appropriate error messages. If rows and columns are not equal, put out a message saying matrices are not conformable for addition or whatever it is. ना ये तो था कोड मैट्रिक्स क्लास का विच आई होप सम्स हैव कवर्ड इन दिस कोर्स फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ दिस लेक्चर व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टच ऑन द वेरियस थिंग्स हमने ये कोर्स जो शुरू किया था उसके ऊपर हमने कुछ आपको प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस के से शुरू किया था कि प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है आपको एक डिजाइन रेसिपी बताई गई थी उसके अंदर मैंने कुछ चीजों को स्ट्रेस किया था एंड वन ऑफ द बिगेस्ट जी डिटेल पे नजर रखना उसको ना भूल जाना एंड देन स्टार्ट इड डिपिंग दिस वे ऑफ थिंकिंग इज अ लॉजिकल एनालिसिस पार्ट क्या कोई प्रॉब्लम हमारे पास आता है तो उसको किस तरह से हल करना है दैट थिंकिंग इज नॉट समथिंग दैट वी आर ऑटोमेटिकली बॉन्ड विद इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग डिवेलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम And that, in my opinion, only comes if you write more and more programs. So a strong recommendation at this time. Please write a lot of code, solve little trivial problems, but become completely fluent in thinking of a problem and finding out di, isko kis se karna hai. loops and decisions are bread and butter for a programmer. Kaha di, ek rule actually research karke bhi ye कि जी कोई भी दुनिया का प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली तीन कंस्ट्रक्ट्स चाहिए एक है कि जी चीजें सिक्वेंशली एक्सिक्यूट हो सके यानी एक स्टेटमेंट उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट नेक्स्ट वी नीडेड टू हैव अ डिसीजन डिसीजन मीनिंग अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो वरना कोई और काम करो सो सिंपल डिसीजन या इफ एल्स डिसीजन उसके बाद तीसरा जो था लूप विच इज रेपिटेशन स्ट्रक्चर कि जी एक ही काम एक किस्म का काम बार बार डिफरेंट वैल्यूज के साथ कर सकें। सो इफ यू हैल प्रोग्राम अप जहां तक फिर उसके बाद हम चले और वेरिएबल्स का पॉइंटर्स का ऊपर आए तो मैंने आपको बताया था कि जी वेरिएबल को आप समझ लें इट्स अ नेम फॉर अ वेल्यू ठीक है एक डब्बा है हमारे पास मेमरी का उसके ऊपर हमने कोई लेबल लगाया हुआ है तो बजाय मेमोरी के एड्रेस की हम बात कर रहे हो एक्सेट्रा हम वो सिर्फ वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करके सारा काम कर लेते हैं वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स थी इस लैंग्वेज में यानी C++ में कुछ टाइप्स थी दूसरी लैंग्वेजेस में हो सकता है टाइप डिफरेंट हो इट डजेंट मैटर द बेसिक कॉन्सेप्ट इज देर आर वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स हैविंग गॉन ऑन फ्रॉम वेरिएबल्स स द इश्यू ऑफ पॉइंटर्स दैट इज इन फैक्ट मच मोर स्पेसिफिक टू सी एन सी प्लस प्लस दट दिस इज अमरी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन मेमरी और फिर इनकी मैनिपुलेशन के बारे में हमने बात की फिर एरेज की बातें आई विच इज एनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज जहां पे हम एक ही किस्म की चीज जो है उसकी मल्टीपल वेल्यू स्टोर करना चाहें तो हम एरेज इस्तेमाल करते हैं यहां पर भी आपको यह बताना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जहां पर सी या सी प्लस प्लस या फोर्थ ट्रैन ये लैंग्वेजेस कंसर्न है यहां पर एरे एक ही किस्म की होती है यानी एरे का हर एलिमेंट की नोयत एक होती है इट कैन बी एन एरे ऑफ इंटेज इट कैन बी एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन बी एन एरे ऑफ डबल्स और वट एवर यू कैनोट है जी पहला एलिमेंट इंट है और दूसरा एलिमेंट चार है और तीसरा डबल है एनसो एनसो फोर्थ बट

प्रोटेस्ट नहीं करता यानी द वेरियबल कैन एस्यूम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज आप आ जाए विजुअल बेसिक की तरफ तो यहां पर एक डेटा टाइप है जिसको वेरियंट कहा जाता है, भी जो है वो कुछ भी स्टोर कर सकती है इट्स इट्स अ वेरियंट इट्सियबल डेटा टाइप सो इट कैन स्टोर इन इंटेजर अ चार सो रिमेंबर दिसक ऑफ एरेज एंड वेरिएबल्स डिफरेंट लैंग्वेजेस बिहेव डिफरेंटली There are no hard and fast rules. That is where you start using the references and start reading up on languages. Or ye bar bar kies badal If anyone makes the statement languages by research katam hogi, jo liknata or tha, that would be too foolish. We want to know, we have to keep abreast and just knowing the fundamentals allows you to apply this knowledge to a new language when it comes up. And fundamentals wohi henjobane bat sequences, decisions and

ऑलोस्ट एनी एंड ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विल गिव यू अ डिसीजन स्ट्रक्चर उसका एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या है वह लैंग्वेज रेफरेंस से आप हासिल करें वेन वी कम टू रेपिटेशन स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग लूप लूप भी सी और सी प्लस प्लस में हमने देखा कि जी तीन मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती एक है एक वाइल्ड लूप है एक डू वाइल्ड लूप है और एक फॉर लूप है आपने देखा होगा हमारी क्लास मेट्रिक्स में हमने सारी फॉर लूप इस्तेमाल की हैं

The for loop is more like the while loop; it will execute zero or more times. हर लूप का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो अगेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज कुछ इनिशियलाइजेशन है कुछ उसकी कंडीशन है कि कब तक इस लूप ने चलना है और फिर कुछ उसकी बॉडी है कि जी इस लूप के अंदर हमने क्या करना है ये तकरीबन सब लैंग्वेजेस में कॉमन है अगेन द सिंटेक्स इज पर्टिकुलर टू द लैंग्वेज लूप एंड एरेज से निकल के पॉइंटर से निकल के वी डेट समूडीमेंट्री फॉर्मेटिंग एंड देन स्टार्टेड आर डिस्कशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सो बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जब हमारे पास आ गए हमने टॉप डाउन प्रोग्रामिंग कवर कर ली हमने कहा कि जी फंक्शन बनाने चाहिए छोटे छोटे फंक्शन होने चाहिए तो अगेन आई रेफर यू टू टू डेज लेक्चर एंड द प्रीवियस लेक्चर आप नोटिस करेंगे कि ये पूरी मेट्रिक्स क्लास के अंदर मेरे ख्याल में कोई भी एक ऑपरेटर या फंक्शन का कोड ऐसा नहीं है जो एक पेज से बड़ा हो हाँ मैट्रिक्स क्लास बजाते बड़ी हो क्योंकि उसके अंदर हमने सारी जो हैं, वो एक एक लाइन करके डाली हुई है और आप डेक्लेशन ऐड करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा लेकिन दैट्स नॉट द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल टॉकिंग अबाउट हमने एक गाइडलाइन दी थी हार्ड एंड फास्ट बट द आइडिया इज वेवर यू राइट अ फंक्शन वेन यू राइट सम कोड इट शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज

उसका प्रोग्रामेिकली कोई मतलब नहीं इट डज नॉट मीन एनीथिंग एट ऑल द कोड यूजिंग ब्रेसेस एंड सेमिक वो है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अदरवाइज सी और सी प्लस प्लस जो है ये फ्री फॉर्मेट लैंग्वेजेस है आप चाहें तो पूरा कोड एक लाइन में लिखते बेड आइडिया पढ़ना मुश्किल होगा बट लिखा जा सकता है पुरानी लैंग्वेजेस जो थी कोबॉल थी फोर्ट्रेन थी उनके अर्लियर वर्जन वो वेरी रिलीजियस फलाने कॉलम में से आपने लिखना शुरू करना है इस कॉलम से आप आगे नहीं जा सकते नॉट डिक्टेटेड बाई द लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड इफ यू पुट यूर कोड इन साइड ब्रेसेज एंड ब्लॉक्स दैट इज अल सिंटेक्स फॉर लूप के दो ब्रेसेज के दरमियान जो कोड है वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर तस्वर किया जाएगा वो execute होगा स्टेटमेंट के बाद अगर ब्रेसेस के साथ आपने कुछ लिखा है तो जितनी स्टेटमेंट्स ब्रेसेस के अंदर आपको एक चीज एक्सपेसिटली बता दी कि ये कोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है यहाँ पे हम क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस का फर्क पता चल सके आपको पता चल सके कि हम इनकेट कैसे करते हैं और आजकल के हवाले से एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज के जी कोड और डेटा जो है उसको इकट्ठा करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है एंड दैट मींस दैट अ न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कम्स इन टू बीग नॉट ओनली हैज इट्स ओन डेटा स्ट्रक्चर बट इट ऑल्सो हैज द कोड दैट मैनिपुलेट्स दैट डेटा स्ट्रक्चर फायदा यह है इसके डेटा हाइडिंग और इनकेप्सुलेशन का हर चीज एक डब्बे में बंद होके डिबग होके तैयार होके पड़ी होती है जब हम मेन प्रोग्राम लिखने आते हैं जो जिसने इन क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना है वहां पे हमारा कोड बहुत ही सिंपल हो जाता है यू कैन री यूज दिस कोड अगेन एंड अगेन एक क्लास डिफाइन की जैसे आज हमने मेट्रिक की बात की है तो उसको आप हर जगह पे जहां पे भी मेट्रिक इस्तेमाल करनी होगी वहां इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके सारे फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं you do not have to worry about the matrix class ke under your variables loop they are hidden from you as the user of the class they are hidden and you can use those variable names in your own program and there is no conflict this was not the case when we were talking about the visibility of variables at file scope or function scope when we put all of this together the concept of doing ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकम्स क्लियर बट दैट इज अल सेपरेट कोर्स उसके अंदर आप इनहेरिटेंस की भी बात करेंगे एक क्लास से दूसरी क्लास कैसे बनाई जाती है उसके अंदर आप पॉलीमोफिज की भी बात करेंगे चलते चलते प्रोग्राम जब चल रहा हो नॉट एट कंपाइल टाइम टू डिटर्मिन कि जी कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मेथड एंड देन द होल आइडिया ऑफ थिंकिंग इन ऑब्जेक्ट वो हमने इसमें इतना ज्यादा कवर नहीं किया यहां पर हमने मैकेनिक्स कवर की है याद रखें कि जब हमने मैकेनिक्स की बात कर रहे थे कि जी एक फंक्शन मेंबर फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक मेंबर ऑपरेटर कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो आपने ये देखा होगा कि जी सारा जो हमारा पहले हाफ वाला नॉलेज था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था वही सीक्वेंसेस वही डिसीजन वही रेपटेशन स्ट्रक्चर जो है वो इन सब मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहे थे सो वी एक्चुअली बिल्ड ऑन आर प्रीवियस नॉलेज एंड इंट्रोड्यूस टू बेसिक न्यू कॉन्सेप्टी क्लासेस भी होती है क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करती है और फिर उस डेटा टाइप को लेके हम उसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं विच आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड यूजिंग देयर नोटेशन विच इज ऑब्जेक्ट डॉट में डेटा टाइप और कुड बी अ फंक्शन दैट इज वॉट वी हैव बीन एक्सरसाइजिंग वी ऑल्सो मैंशन दैट यू कैन हैव पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट और फिर उसी तरीके से जैसे पॉइंटर्स टू स्ट्रक्ट होता है उसी तरह पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ नोटेशनल कुछ डिफरेंस आता है पॉइंटर के साथ जब आप में डेटा को मैंने प्लेट कर रहे होते हैं तो आप एरोशन इस्तेमाल करते हैं रादर दैन द डॉट नोटेशन बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज मोर लिमिटेड टू सी एंड सी प्लस प्लस इस चीज का आपको ख्याल रखना है जो मॉडर्न लैंग्वेजेस आई है वो कहते हैं कि पॉइंटर्स आर डेंजरस मॉडर्न लैंग्वेज से मैं मुराद है जावागाम्पल वो कहते हैं कि जी, के साथ तो आप में कहीं पे भी जाके कोई वैल्यू बदल सकते हैं उसके बाद, के अंदर ये भी मसला है जो हम बार बार इट क्वी पॉइंटिंग टू नो वेयर हमने मेमरी एलोकेट की थी किसी और तरीके से डी एलोकेट कर दी डेंगलिंग पॉइंटर रह गया या मेमरी एलोकेट की उसका पॉइंटर हासिल कर लिया और पॉइंटर डिस्ट्रॉय कर दिया मेमरी एलोकेटेड रह गई इन चीजों को एड्रेस करने के लिए जावा के अंदर पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट की, की बजाय सिर्फ रेफरेंसेस रह गए हैं और रेफरेंसेस के साथ जो उन्होंने किया है विच इज अ वेरी वेरी मेजर स्टेप वो है कि जी आपको एक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया है गार्बेज कलेक्शन अब ये देखें जो मेमोरी हम इस्तेमाल करते हैं ना वो टुकड़ों 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 में होती जाती है एक टुकड़ा यहाँ से हासिल किया फिर यहां से कोई और चंक हासिल किया इसको फ्री कर दिया तो बिगिनिंग में जो हमारे पास फ्री स्टोर था एक सॉलिड एरिया ऑफ मेमरी जो फारिक था अब उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाद कहीं पे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कहीं पे हम उसको फ्री करते हैं डिलीट ऑपरेटर के थ्रू एंड सो एंड सो फोर्थ जावा में इन सब हेडेक्स से हमें निजात मिल जाती है व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एलोकेट मेमोरी एज वी वांट एंड यूज इट एंड व्हेन वी डोंट नीड इट इन अदर वर्ड वेन आर प्रोग्राम स्टॉप रेफरसिंग दैट मेमरी ऑटोमेटिकली पीछे से एक झाड़ू फेर देते हैं विच इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन दैट वॉर ने झाड़ू लिया और गार्बेज सारा इकट्ठा कर लिया ये ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ पे मैट्रिक्स क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बात की कि जी क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करती है क्लास इस वास्ते इसके लिए डिस्ट्रक्टर देना लाजमी है और डिस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी को फ्री करेगा जावा के अंदर जब जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर तो मेमोरी एलोकेट कर सकता है डिस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं रहती इस काम के लिए बिकॉज जब आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना खत्म कर देते हैं तो पीछे गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली मेमरी को लेके वापस फ्री स्टोर में डाल देता है सो लैंग्वेज कीप इविंग न्यू कॉन्सेप्ट विल कीप हैपनिंग बट द फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रांग यू हैव टू नो वॉट इज प्रोग्रामिंग यू हैव टू नो एक प्रॉब्लम को लेकर उसको तोड़ के उसका एसेंस कैसे निकाला जाता है जो डिजाइन रेसिपी थी उसको रिपीट करना अगर आप सौ दफा भी रिपीट करें कम होगा यू हैव टू अंडरस्टेंड के जी प्रॉब्लम को तोड़ के पर एग्जाम्पल्स लिख दिए जाए कुछ चीजें हाथ से वर्कआउट कर ली जाए

तो ये प्रॉब्लम डोमेन के साथ ऑब्वियसली रिलेटेड है लेकिन यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जी अगर बंदे की तनखा इससे ज्यादा है और उसकी उम्र इससे कम है और उसके चार बच्चे हैं और वो गाड़ी रखता है तो फिर उसका टैक्स इतना डिडक्ट करना वरना ये करना वरना ये समटाइम्स द लॉजिक बिकम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लीकेटेड इवन राइटिंग दैट एज ए सिंपल सिंटेक्स स्टेटमेंट इन एनी लैंग्वेज राइटिंग if a is greater than b and c is not equal to d and e is less than x or something like that, it becomes complicated when you try to figure out, okay, kon si kistrase evaluate hogi. referring back to introduction to computing, you truth tables ka concept diya truth tables are very important. they are still a tool available to you for analyzing logical expressions. looking into the future, ap logic design parhenge. ज एक्चुअली टू डू विद चिप्स एंड गेट्स हाउ वी पुट दीज थिंग्स टूगेदर लेकिन लॉजिक डिजाइन के अंदर देर आर सर्टन टेक्नीस कॉल्ड मिनिमाइजेशन टेक्नीक एक आपने सर्कट बनाना है वो कम से कम चिप्स के साथ मोस्ट एफिशियंटली कैसे बनाया जा सकता है वो जो मिनिमाइजेशन टेक्नीक है सिंस दे डीलियन एल जबरा विच मीन्स लॉजिक एंड देर फोर इट्स लॉजिक डिजाइन वही टेक्निक्स आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है

and you've learned how to minimize circuits, please realize that minimization techniques are the same which are used in logical analysis and programming. In fact, if you look at how do we use new computers to design even newer and more powerful computers? It's an example of horizontal integration. Always think outside the box. Always think in terms of what parameters calculate be calculated and how design there is a way of thinking for us programmers. We always look at problems, slice and dice them, and uh, come up with solutions that this can solve solved this structure. Programming as a skill is in fact so important. It is so important from a way we think, from a logical analysis perspective, that some people in the academic bhi insist that programming should be taught to every chahiye. रिगार्डलेस ऑफ के बड़े हो के उसने पेंटर बनना है या फिलोसोफर बनना है पोइट बनना है डॉक्टर बनना है प्रोग्रामिंग उसको आनी चाहिए क्योंकि एक सोचने का तरीका ये डेवलप करती है सो so, हमारा जो कोर्स था इट हैड बिग एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसको मैं कहता हूं द व्हीकल फॉर द कोर्स बिकॉज हम उसके सिंटेक्स के भी बारे में बात कर रहे थे लेकिन बार बार मैं इस चीज को एक्सप्रेस करता रहा हूं कि जी आपको फंडामेंटल्स के ऊपर जोर लगाना है आपको यह पता होना चाहिए कि जी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कर क्या सकते हैं कैसे करना है वो चीज उस लैंग्वेज के रेफरेंस बुक के अंदर मौजूद है या कंपाइलर की ऑनलाइन हेल्प के अंदर मिल जाती है आपको कैसे वाला हिस्सा विल ऑलवेज चेंज न्यू लैंग्वेजेस विल इवॉल्व विल कम इन टू बी एंड यूल ऑन द अदर हैंड वॉट इज टू बी डन क्या करने वाला है ट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिकल स्किल्स एंड फंडामेंटल नॉलेज उस चीज को आपने डिवेलप करना है बिजनेस की दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है वो डेटा बेस ओरियंटेड प्रोग्रामिंग होती है जो आजकल के बड़े डेटा बेसिस हैं जैसे ऑरिकल है या एस क्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट से और प्रोडक्ट हैं इसके अंदर एक और किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम आम तौर पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस कहते हैं एसक्यू एल वर्जन कहते हैं एसक्यू एल इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका स्टैंडर्ड भी बन चुका है सो देर इज एन एनसी स्टैंडर्ड फॉर दैट लैंग्वेज उस लैंग्वेज का और हम जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं एक मेजर फर्क है दो लैंग्वेज बाय एंड लार्ज से टेल मी वॉट यू वॉन्ट एंड आई विल डिटर्मिन हाउ टू डू इट Whereas in our conventional languages like C or C++, we have to tell the language what we want to do and also how to do it. There is a difference. If you have this, to arm the terminology it is a third generation language or fourth generation language. Then ho you have to dif uh, think differently. Now you don't worry about how to do that job. You just tell the database ke mujhe समथिंग so लाइक like, के मुझे डिपार्टमेंट नंबर दे दो उसमें बता दो कितने एम्प्लॉय है और उनकी जमा करके मुझे बता दो कि टोटल सैलरी एक महीने में क्या होती है दैट्स इट यू डोंट टेल इट हाउ टू डू इट एंड दैट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंटेग्रेट विद डेटा बेस इन सर्टन फैशन एंड कम्स अप विद रिजल्ट उसके अंदर ऑप्टिमाइजर्स भी बिल्ट इन है ऑप्टिमाइजर्स मीन इस को या इस क्वेश्चन को सबसे एफिशेंटली कैसे एक्सिक्यूट करना है वही उसी किस्म के ऑप्टिमाइजर हमारे कंपाइलर में भी बिल्ट इन हैं। जब हम कोड लिखते हैं कंपाइलर उस कोड को एक दफा छानता है देखने के लिए कि इसको सबसे तेज तरीके से सबसे एफिशियंटली कैसे एक्सीिक्यूट किया जा सकता है आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर हैं, इसके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी जो है ऑप्टिमाइजेशन होती है एक आपको मैं इंटरेस्टिंग सा वाक सुनाता चलू पुराने जमाने का ये कंपाइलर जो है वो मुख्तफ कंपनियां लिखती है सॉफ्टवेयर कंपनीज या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं इन कंपाइलर्स के अंदर भी कई दफा रेस लग जाती है रेस इस तरह की लग जाती है कि बेस्ट फोर्ट्रेंड कंपाइलर किस कंपनी का है न स्टैंडर्ड एक ही है द आइडिया इज एक ही कोड किसी कंपाइलर को दिया जाए तो उसका जो एक्सीक्यूटेबल वर्जन है वो कितना तेज चलता है और कितनी कम मेमरी इस्तेमाल करता है दीज आर नॉर्मली द टू यार्ड स्टिक्स ऑफ आउटपुट कोड उन्होंने जनाब स्पीड देखने के लिए एक लूप डाल दी डमी लूप समझ लें आपकी सी के अंदर अगर लिखी हो लूप तो ऐसी होगी फॉर आई टू जीरो एक कंपाइलर जो था अगर वो ले रहा था एक घंटा इस काम को चलाने के लिए एक्सिक्यूटेबल कोड को तो दूसरा कंपाइलर जो था वो माइक्रोसेकेंड में कर देता था जी फर्क तो होगा कंपाइलर में पर इतना ज्यादा कैसे फर्क होगा जब उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कंपाइलर इतना हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंपाइलर था कि वो लैंग्वेज को पढ़ता था देखता था इस लूप में कुछ नहीं हो रहा तो इस लूप को ही निकाल दो इट वुसली रन इन माइक्रोसेम थिंग एप्लाइज टू दीकेशन ऑफ द वर्ट एंड हाउ इन आर लैंग्वेज इन द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी आर ऑल्सो डूंग द हाउ एज प्रोग्रामर वी नीड टू नो हाउ टू स्पेसिफाइट पार्ट वी हैव टू टेल द कंप्यूटर के जी इस प्रॉब्लम को हल किस तरह से करना है अगर आप देखें जो मैंने और एसक्यू एल डेटा बेसिस की आपको एग्जाम्पल दिया कि वहां पर हाव हम नहीं देते याद रहे कि वो कहीं कंप्यूटर के साथ पैदा नहीं हुए वो भी प्रोग्रामर्स ने ही लिखे हैं सो वेर इज दैट लैंग्वेज प्रोवाइड दिस फैसिलिटी दू आस्क दॉट एंड आई विल डिटर्मिन द हाउ दैट फैसिलिटी इल्फ वॉज प्रोवाइडेड बाई प्रोग्रामर्स सो यू स्टिल नीडेट Even advancements in the very field of computing. It will be programmers, in other words, computer scientists, who will be producing these advances. So, fundamentals are important, but keeping a breadth of vision is also critically important. You have to constantly keep up with the literature, keep up with new developments, experiment with more and more new tools. If you one or two languages, guaranteed you will be behind the times in no time whatsoever. talking about languages is not that important. talking about programming is critically important. i have mentioned to you, that programming, ki various features, facets, kis taraf ko ja rahi hai. you will constantly come up against new situations. agar your fundamental knowledge sound hai, कोई नई लैंग्वेज आपको फेस नहीं कर सकेगी यू विल नेवर फील ओवर पावर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू लैंग्वेज बिकॉज योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शुड बी साउंड हाउ दे कैन बिकम साउंड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर इन एक्सपेरिमेंटिंग मोर एंड मोर बहुत सारी चीजें जो है आपके करिकुलम के अंदर वो होंगी फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड दिस इज द वे आई बिलीव अ प्रॉपर करिकुलम शुड बी स्ट्रक्चर्ड हमने यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस को एज ए व्हीकल इस्तेमाल किया है लेकिन मैं स्ट्रेस यूजली करता रहा हूं कि जी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है आगे चलेंगे आपको कोई और एक्सरसाइजेस मिलेंगी डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स आ रहा है अभी ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर कोर्स आएगा नई लैंग्वेजेस आएंगी लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिन ऑफ दैट लैंग्वेज दैट्स ओके इफ यू नो इट बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वॉट इज इंपॉर्टेंट आर द कॉन्सेप्ट अटैच टू दैट कोर्स इन अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉरिकुल हम जो है टूल्स के ऊपर जोर नहीं लगाते हम कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स के ऊपर जोर लगाते हैं टूल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट मेरा तो कम से कम यह है कि जी वो ऐसी है कि आप किताब उठाएं खुद पढ़ें और सीख लें एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज एज वे अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग आती है इसका यह नहीं मतलब कि आपको एक मैन्युफैक्चर का एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना आता है अगर वर्ड प्रोसिंग का ही मैं एग्जाम्पल लू सेप्ट देर आर की जी एक कैरेक्टर है उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं वो बोल्ड हो सकता है आइटेलैक्स हो सकता है अंडरलाइन हो सकता है सुपरस्क्रिप्ट हो सकता है सबस्क्रिप्ट हो सकता है उसकी फॉन्ट की शक्ल बदल सकती है उसका साइज बदल सकता है ये चीजें हैव नथिंग टू डू विद प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दे हैव टू डू विदेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इफ यू रियलाइज दैट कैरेक्टर्स को जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं वर्ड से एक बन जाता है, तो की अपनी प्रॉपर्टीज आ जाती है इफ यू नो वॉट क्वेश्चन आंसर इन द रेस मेटीरियल गेट द सेम थिंग एक्चुअली अप्लाइज टू प्रोग्रामिंग एंड आई विल जस्ट रिपीट माइ से sequential structures decision statements and repetition structures ke saath. sari programming ki ja sakti hai to objects or classes are on top they give you a different way of expressing your programming ideas and problems we have covered a lot of material in this course but the material pertains to concepts and one vehicle language Practicing that language is important because it's a very popular language and most of the operating systems are written in that language nowadays. but story should not stop there. Please stress on the fundamentals, learn the concepts and move on. Become experts in this language, but learn new languages and learn many of them. You will notice that at the end you will be able to do a comparison, you will be able to determine "ah. ये प्रॉब्लम है इसके लिए फलानी लैंग्वेज अच्छी रहेगी ये प्रॉब्लम है इसके लिए वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर टूल बॉक्स योर फाइनल एग्जाम्स आर कमिंग अप आई होप यू डू वेल बट दैट ओनली हैव वर्क हार्ड एंड स्टडीड वेल फॉर दर्ज एग्जामिनेशन सो आई विल विश यू गुड लक इन से अल्लाह हाफिज